फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में इंस्ट्रूमेंटेशन की। आज हम एक स्मॉल एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो आपका ये स्पिरिट लैम्प है, इसको यूज किया जाता है, कैसे रिफिल किया जाता है, आज वो समझेंगे। और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि हमारा ये जो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसका किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर बड़ी टेस्ट ट्यूब है तो बहुत आसानी से इसमें होल्ड कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी टेस्ट ट्यूब होती है, जिनका डायामीटर स्मॉल होता है, उसको किस तरीके से हम होल्ड करते हैं। तो चलिए आज हम समझेंगे। हमारे पास एक हमने मेटालिक रैक ले लिया है, जिसके अंदर हम इजीली रख के देख सकेंगे कि टेस्ट ट्यूब को कैसे होल्ड किया जाता है। तो ये हमारे पास एक हमने टिश्यू रोल से एक टिश्यू पेपर का पीस निकाल लिया है। हमें क्या करना है, इस टिश्यू पेपर के रोल को इसको क्या करना है, हमें इजीली हमें यहाँ पे इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। एक बार डबल फोल्ड करने के बाद फिर आप इसको ये बार फिर से फोल्ड करेंगे। यानी इस तरीके से फोल्डिंग करनी होती है कि आपका वो एक थिक पेपर रोल की तरीके से आपको ये दिखाई दे, देख सकते हैं आप। अब इसको क्या करना है, अब हम इसको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के पास में रोल करेंगे, जिससे हमारा जो टेस्ट ट्यूब होल्डर जो है वो ग्रिपिंग वो इजीली से हो जाए और जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो भी आसानी से होल्ड हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये ग्रिपिंग हमने कर दी है। अब क्या करना है, हमें ये टेस्ट ट्यूब होल्डर लेना है। हमने यहाँ पे इसको यहाँ फिक्स किया और इस नोब की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको पूरा अच्छी से ग्रिपिंग टाइट कर देंगे। ध्यान रखना है, ज्यादा टाइट नहीं करना है, ये प्रेशर पड़ के वो टूट जाए। अब आप देख सकते हो कि ये टेस्ट ट्यूब जो है वो प्रॉपर होल्ड हो चुकी है। अब अगर मैं इसको रिमूव करूं, यानी इस रोल को अगर मैं हटा दूं, तो आप देखोगे कि यहां मैं कितनी भी कोशिश करता रह जाऊंगा, ये टेस्ट ट्यूब जो है ये होल्ड नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब है, ये आपका ठीक है। आपने क्या करना है, बस उसका डायामीटर बढ़ा देना है इस तरीके से कि आपका जो टेस्ट ट्यूब है वो प्रॉपर आपका होल्ड कर सके टेस्ट ट्यूब होल्डर, और आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली आप उस पर फिर वर्क कर सको। तो ये है हमारा एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट या शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपने समझा कि किस तरीके से ग्रिपिंग करके आप एक टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर सकते हो टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प में। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। बर्निंग का कंटिन्यू बताऊंगा, ये बर्नर है, आपने क्या करना था, कुछ नहीं है, ये आपका एक फर्स्ट कैप है, इसको रिमूव करना है। सेकंड में यहाँ पे आपको सिरिंज के हेल्प से इसमें स्पिरिट आपको फिल कर लेना है, और इसको आप रेगुलर रूटीन लैम्प की तरह यूज कर सकते हैं। थैंक यू, कीप स्टडी।